4/5 अगस्त की रात्रि में ठाकुरपुर नंबर 1 टोला गढ़िया में सड़क के किनारे एक मकान में पति पत्नी के रूप में रहने वाले महिला व पुरुष के हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। गुलरिया थाना पर घटना का खुलासा करते हुए सीओ चौरी चौरा कपिल देव मिश्रा ने कहा कि रुपये के लिए टिकरिया जंगल से लकड़ी कटवाने वाले तस्कर ने साथी संग मिलकर साथ रह रहे रीमा और अनरजीत की हथौड़े से मारकर निर्मम हत्या कर दी थी। 2 माह बाद घटना में सुराग मिलने पर पुलिस ने हत्या में शामिल मुख्य आरोपी रहमुद्दीन उर्फ रामदीन पुत्र सुभान अली निवासी जंगल डुमरी नंबर 2 टोला सकलदीपपुर थाना गुलहरिया को गिरफ्तार किया गया है। सीओ चौरी चौरा कपिल देव मिश्रा ने बताया कि 4 अगस्त की रात गुलहरिया ठाकुरपुर नंबर 1 गढ़िया टोला निवासी अनरजीत और रीमा की हत्या कर दी गई। अगले दिन सुबह दोनों की इसकी जानकारी हुई। लोहे के नुकीले हथौड़े और लकड़ी काटने वाले हथियार से दोनों को मारकर बदमाश फरार हो गए थे। इस घटना में रीमा और अमरजीत के संबंध उनके परिचितों सहित अन्य मामलों को ध्यान में रखकर पुलिस जांच कर रही थी। 2 दिन पहले पुलिस को जानकारी मिली कि एक लकड़ी तस्कर से अनरजीत का विवाद चल रहा था, इसलिए पुलिस की कार्रवाई में तेजी आ गई। इन्हें गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। उन्होंने कहा कि रीमा और अनरजीत हत्याकांड को लेकर पुलिस काफी परेशान रही। घटना से जुड़ा कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। अनरजीत के परिजनों ने गोरखनाथ मंदिर में जाकर जल्द से जल्द घटना के खुलासे की गुहार लगाई थी। इस मामले को लेकर काफी दिन पुलिस परेशान रही। पुलिस ने कुछ लोगों को जांच के दायरे में लिया, तब मालूम हुआ कि एक व्यक्ति जो टिकरिया जंगल से पेड़ कटवाता था, उसकी गाड़ी का चालान चोरी की लकड़ी के साथ हुआ था। इस मामले में गाड़ी छुड़ाने में उसका काफी रुपया खर्च हो गया, लेकिन अनरजीत ने कोई मदद नहीं की। इसको लेकर ही विवाद होने लगा। सीओ चौरी चौरा ने बताया कि घटना की रात अनरजीत के पास अधिक पैसा होने की उम्मीद में आरोपित और उसके साथी पहुंचे थे। पुरानी पहचान का फायदा उठाकर घर में घुस गए, हत्या करके रुपये तलाशने का प्रयास किया, लेकिन पैसे ना मिलने पर वो फरार हो गए। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से हत्या में शामिल हथौड़ा, एक मंगलसूत्र, मृतक रीमा गौड़ का मोबाइल, चोरी का 3,000 रुपये बरामद हुआ है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ चौरी चौरा कपिल देव मिश्र ने कहा। गुलहरिया थाने में गढ़हिया गांव पड़ता है, जहां पर गांव में बिरान स्थान पर एक मकान में अनरजीत गुप्ता और उनके साथ रहने वाली एक महिला की रात में सोते समय हत्या कर दी गई थी। यह हत्या धारदार हथियार से की गई थी। इस संबंध में मृतक महिला के पिता द्वारा और मृतक अनरजीत के परिजनों द्वारा थाना गुलहरिया पर हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पुलिस ने इस घटना को चुनौती के रूप में लिया था। यशस्वी महोदय द्वारा स्वयं इसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी। इंस्पेक्टर गुलहरिया ने काफी मेहनत करते हुए इस घटना को वर्कआउट किया है। इसमें रामदीन नाम के एक अभियुक्त को हत्या में प्रयुक्त आला कतल और चोरी किए गए सामानों के साथ गिरफ्तार किया गया है। घटना का खुलासा किया गया है। एक अभियुक्त गिरफ्तार है, दूसरा अभियुक्त भागा हुआ है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई है। जो अभियुक्त पकड़ा गया है उसने घटना का खुलासा किया है और उसने अपना जुर्म स्वीकार किया है। बताया कि यह घटना उसने चोरी की नियत से और जो दूसरा सहअभियुक्त है उसका कुछ पैसा अनरजीत के पास बकाया था, जिसका बकाया अनरजीत मांगता था, इससे भी नाराज होकर के और उसको पैसा भी न देना पड़े, इसलिए इन लोगों ने यह घटना किया है। जो अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है इसके पास से चोरी का 3,000 रुपया, मंगलसूत्र और घटना कारित करने वाली हथौड़ी आदि बरामद की गई है।
अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल रवाना किया जा रहा है। अभियुक्त देखिए जो उसका दूसरा सहयुक्त है, दोनों लोग मिलकर के लकड़ी का काम करते हैं और इसके एक बार पहले भी अनर्जित गुप्ता के साथ व्यापार करते समय ये गाड़ी पकड़ी गई थी जिसमें अनर्जित गुप्ता ने 1,00,000 रुपये जुर्माना अदा किया था। उसका पैसा दूसरे सहयुक्त को देना था तो उसका बार बार अनर्जित गुप्ता तगादा करते थे तो ये पैसा न देना पड़े और इनको ये पता था कि अनर्जित गुप्ता अपने घर पे पैसा भी रखते हैं, अच्छा खासा पैसा रखते हैं, तो इनको उम्मीद थी कि करीब 1.5-2 लाख रुपए तो इनको मिल ही जाएंगे। परंतु जिस रात इन्होंने घटना किया उसके एक दिन पहले ही अनर्जित गुप्ता ने अपना पैसा जो वो गैस एजेंसी पर जहां वो व्यवसाय करते हैं वहां पे उन्होंने जमा कर दिया था तो उनके घर पर केवल 60,000 रुपया था, तो चोरी के समय इनको केवल 60,000 रुपये ही मिले। जो इनका सहयुक्त है उसका आपराधिक इतिहास है जो प्रेस नोट में भी वर्णित है, लेकिन ये घटना जो है ये इन्होंने नए तरीके से, नए इरादे से और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया। हाँ, इस घटना के अनावरण के लिए SSP महोदय स्वयं सतत प्रयत्नशील थे और उनके द्वारा दिन प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जा रही थी। गुलरिया थाने की पुलिस और खासतौर से इंस्पेक्टर गुलरिया द्वारा इसमें खासतौर से बड़े अथक प्रयास के बाद इस घटना को वर्कआउट किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस टीम को पुरस्कृत किया जाएगा।